अनलॉक वन को लेकर केंद्र सरकार के आदेश जारी होने के बाद राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने मीटिंग लेकर राज्य की स्थिति की मॉनिटरिंग की। वहीं एसीएस होम राजीव स्वरूप ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस जारी की गई। गाइडलाइन के मुताबिक 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। ई पास की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त की गई है। शर्तों के बाद कई जगह छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी बरकरार है, लेकिन आमजन को सामान्य जीवन डालने की आदत डालनी पड़ेगी। राज्य में जहां पॉजिटिव केस मिले हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों पर अभी भी रोक रहेगी। शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब और तम्बाकू सेवन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। उन्होंने अपील की है कि कोरोना से बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सिटी बस फिलहाल बंद रहेगी। वहीं ऑनलाइन स्टडी पर प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 के आदेश आज जारी किए गए हैं, जो 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये गाइडलाइंस इस सिद्धांत पर बनी है कि सामान्य जनजीवन जो है इसकी ओर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बढ़ा जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और लोक परिवहन में सभी लोगों द्वारा संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों की पालना की जाए। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस से खतरा अभी भी बरकरार है, परंतु 10 हफ्ते के लॉकडाउन से इसके सामुदायिक फैलाव को रोका गया है, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है कि किसी भी परिस्थिति से अब निपटा जा सके, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसमें भारी वृद्धि की गई है और सभी लोग इस खतरे से अब की गंभीरता से परिचित हो गए हैं, जानते हैं और क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने हैं उसकी भी उनको अब पूरी जानकारी है और वो लोग फॉलो भी करने लगे। इसलिए अभी हमें कुछ समय तक कोरोना के साथ अपना सामान्य जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं सब लोगों को सावधान करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी लॉकडाउन जल्दबाजी में खोला गया है या लोगों ने सावधानी नहीं बरती है तो वहां पर स्थिति पूर्व से भी बदतर हुई है और लॉकडाउन और सख्ती से लगाना पड़ा है। जो कोई भी गैर जिम्मेदार होता है वो स्वयं को या अपने परिवार को एवं औरों को काफी संकट में डाल सकता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इनमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या गतिविधियां अब खोली जा रही हैं, क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं और क्या गतिविधियों, किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। जहां कहीं भी पॉजिटिव केसेस आते हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, जिससे कि उस संक्रमण को वहीं का वहीं आइसोलेट और रोक दिया जाए। इस एरिया में कर्फ्यू भी लगता है। यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमत नहीं है, केवल मेडिकल या बहुत ही अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित। कंटेनमेंट जोन के जस्ट बाहर एक बफर जोन होगा। यहां पर जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए तय करेगा कि क्या गतिविधियां अनुमत की जाए और क्या नहीं। प्रदेश में आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में 21, झालावाड़ में 14, भरतपुर में 12, झुंझुनू में 7, कोटा में 6, धौलपुर और राजसमंद में 5, अजमेर में 3, उदयपुर में 2, टोंक में 1 नया कोरोना